अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटोर चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटोर जवाद यूनस, और आज जो क्लास मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो है मेरा एक स्टूडेंट जिसके कहने पर ये मैं क्लास समझाने जा रहा हूँ आप लोगों को। ये है मॉकअप की क्लास कि आपने, अगर आपके पास लोगो है तो आपने मॉकअप कैसे बनाना है और कहाँ कहाँ से आप मॉकअप्स ले सकते हैं जिसमें अपने लोगो ऐड करके और अपने मॉकअप्स बना सकते हैं और कैसे आप ऐड कर सकते हैं लोगोस। तो क्लास में जाने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियो के राइट बॉटम पे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा और साथ ही बेल आइकॉन डाउन में आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे हर ट्यूटोरियल के अपडेट मिलती रहे। मॉकअप हम लोग ज़्यादातर बनाते हैं कि चीज़ को ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए, किसी कस्टमर का, किसी भी क्लाइंट का। हम लोग कोई भी लोगो बन डिज़ाइन करते हैं या स्टेशनरी डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए हम लोग मॉकअप बनाते हैं और मॉकअप में उसको बना के दिखाते हैं कि ये बन के कैसी लगेगी। तो इसके लिए मॉकअप बहुत ज़रूरी है, तो मैं यही रिकमेंड आपको करूँगा कि आप मॉकअप ज़रूर बनाएं। और जो है कैसे बनाने हैं वो अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो है गूगल पे लिखा कि फ्री मॉकअप डिज़ाइन, फ्री मॉकअप डिज़ाइन लिखा तो ये हमारे पास ऑप्शंस आ गई। ढेरों आपके पास PSDs मिल जाएंगी, इलस्ट्रेटर मिल जाएंगी। आपने जस्ट उस चीज़ पे जाना है, उसको डाउनलोड करना है। जैसे कि ये है, इस पर मैंने राइट क्लिक करके एक न्यू विंडो ओपन कर ली। तो ये आप देख सकते हैं हज़ारों मॉकअप इसमें आए हुए हैं। तो ये वाला मॉकअप मैंने डाउनलोड कर लिया है, मैंने जस्ट इस पर क्लिक किया है और विजिट टू डाउनलोड पेज हेयर, और ये डाउनलोड का लिंक आ रहा है और इसी से ये चीज़ मैंने डाउनलोड कर दी है। तो जस्ट आप क्लिक करेंगे, ये बिल्कुल फ्री है, आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है और डाउनलोड हो जाएगी आपके पास ये चीज़। और इसके अलावा और भी टिप बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं आपके पास। आप किसी भी 50 मॉकअप्स पे जा सकते हैं, 105 मॉकअप लोगोस पे जा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है कि आप किस पे जाना चाहते हैं। तो उसके अलावा ये फ्री पिक जो है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेबसाइट है आइडियाज़ लेने के लिए या अपने वेक्टर फाइल्स लेने के लिए। सेकंड वन ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये फ्री पिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, इससे हम हर चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए लोगो मॉकअप लिखा आ गया, तो ये चीज़ मैंने डाउनलोड कर ली थी, जस्ट इस पर मैंने क्लिक किया और उसके बाद फ्री डाउनलोड पर क्लिक किया तो ये डाउनलोड होगी मेरे पास। तो ज़रूरी नहीं है आप रजिस्टर करें या कुछ भी, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होती है फ्री की चीज़ों के लिए। तो अब चलते हैं उस तरफ कि आपने अपने लोगोस को कैसे वो चीज़ों को करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फ़ोटोशॉप की तरफ ले जाता हूँ, फ़ोटोशॉप की फ़ाइल ले आता हूँ अंदर फ़ोटोशॉप में। तो ये हमारे पास फ़ोटोशॉप की फ़ाइल है, जब हमने डाउनलोड किया तो हमारे पास रॉर फाइल में आ रहा था। रॉर को जब मैंने एक्सट्रैक्ट किया तो ये दो ऑप्शंस हमारे पास सामने आ गई, एक मेटल की और एक कार्डबोर्ड की। मैं कार्डबोर्ड पे एग्जांपल देता हूँ आपको कि फ़ोटोशॉप में आपने कैसे चेंज करना है। जब मैंने इस चीज़ को ओपन किया तो हमारे पास ये ऑप्शंस आ गई। आपने और किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, जस्ट इस पर डबल क्लिक कर देना है। जब इस पर डबल क्लिक करेंगे ना, एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी और इनका लोगो ओपन आ जाएगा। आपने क्या करना है, अपना लोगो सिलेक्ट करना है और ड्रैग करके इस जगह पे ले आना है और एग्जैक्ट इस जगह पे रख देना है कि जिस तरह आपको चाहिए। नीचे वाले को हाइड करना है तो हाइड कर दें, डिलीट करना है तो डिलीट कर दें। ये डिलीट हो गया, तो जस्ट कंट्रोल एस करूँगा सेव करने के लिए, तो ये सेव हो जाएगा और इसको कैंसिल कर दूँगा। जब इसको कैंसिल करूँगा तो ये हमारे पास लोगो का मॉकअप रेडी है। ये फ़ोटोशॉप वाले मॉकअप्स हैं, ये देखें। उसके अलावा ढेरों आपके पास मॉकअप्स आ रहे होते हैं, ये देखें 100 PSDs, इसमें भी आप जाके चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं और चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये देखें, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर फ्री वाले ऑप्शंस आपके पास इस तरह आ रहे होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि आप 3D चाहते हैं या किस तरह चाहते हैं, वो आप आराम से कर सकते हैं। तो ये जो फ्री पिक वाला मैंने किया था, इसकी फ़ाइल को मैंने जब ओपन किया तो ये मेरे पास इलस्ट्रेटर में ओपन हुआ। तो जो मेरे भाई इलस्ट्रेटर जानते हैं वो ये देख सकते हैं, ये इलस्ट्रेटर की फ़ाइल मैंने इसको ड्रैग किया है और इस जगह पे ले आया हूँ और इस जगह पे आके मैंने अपने लोगो एडजस्ट कर दिए हैं। लोगो कैसे मैंने एडजस्ट किए हैं इस फाइल पे मैं आपको करके दिखाऊंगा। मैंने जस्ट इसके नीचे इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको मैंने इधर से
डिलीट कर लिया। जब मैंने इसको डिलीट किया तो ये मेरे पास ऑप्शन आ रही होगी, मैंने आल्ट प्रेस करके इस जगह पे जाके रख दिया अपना लॉगो। अगर मैं इस शर्ट का कलर भी चेंज करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। मैं इसको अनग्रुप करूँगा, अनग्रुप करूँगा, जितनी भी मेरी अनग्रुप की ऑप्शंस मेरे पास आ रही होंगी वो करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास शर्ट का अगर मैं कलर चेंज करना है तो वो भी कर सकता हूँ। ये मैं रेड पे आया और रेड पे ओके किया, तो ये आप देख सकते हैं कि रेड कलर की शर्ट बन गई हमारे सामने। उसके अलावा सेम टू सेम इस तरह भी कर सकते हैं। अनग्रुप में जस्ट इसको करूँगा और इसका लोगो ख़त्म कर दूँगा और इसको इस जगह पे लाके एडजस्ट कर दूँगा, या अदरवाइज़ ये ब्लैक है तो ब्लैक वाला पकड़ के इस तरफ रख लूँगा क्योंकि वाइट के ऊपर ब्लैक नहीं आ सकता। मैं जूम करता हूँ और इसको मैंने एडजस्ट कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं ये कैप पे भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन आ रही होगी। ये जब आप सिलेक्ट करेंगे तो अनग्रुप की ऑप्शन, फिर आप ऊपर वालों को सिलेक्ट करेंगे तो फिर अनग्रुप की ऑप्शन आपको देगा। तो ये आप देख सकते हैं ये आपके पास ऑप्शन आ रही है, आप इसमें भी कलर इसका चेंज कर सकते हैं। ये आपका कलर चेंज हो गया कैप का। तो ये सिंपल सी टेक्निक्स हैं, आपने जस्ट पुट कर जाना है और जो चीज़ आपको एक्स्ट्रा नज़र आ रही है आपने मोबाइल वाला नहीं करना या कुछ भी, तो आप इजीली उसको डिलीट कर सकते हैं, या इनका जो है फ्री पिक का लॉगो उसको भी इस तरह डिलीट कर सकते हैं। तो इसको भी डिलीट कर सकते हैं, इसको सिलेक्शन करके भी डिलीट कर सकते हैं, जो चीज़ आप डिलीट करना चाहें कर सकते हैं। तो इसी तरह बाकी जगहों पे भी मैंने अपने लोगों से लगा लिए और चुप करके क्लाइंट को दिखा दिया। फ़र्ज़ करें कि मुझे जस्ट कैप चाहिए तो मैं कैप को जस्ट को पकड़ लूँगा, इसको ओवरऑल सिलेक्शन कर लूँगा और इसको मैं साइड पर ले जाऊँगा और कप पले को इस तरफ कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने कैप वाला साइड पे कर दिया। तो इसको इस तरह क्लाइंट को दिखा सकते हैं आप लोगों। तो ये सिंपल सी टेक्निक्स, और भी आपके पास ऑप्शंस आ रही होती हैं, आपकी मर्ज़ी है कि आप जो है कैसे तरह किस तरह चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हैं। 50 मॉकअप्स हो गया, जो भी फ्री मॉकअप्स हैं उसको आप यूटिलाइज़ आराम से कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप पे करके भी चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जिस तरह ये वाला है बेला वाला, इसको मैं एक बार डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ कि इसको आपने डाउनलोड कैसे करना है। आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है और बेला वाले पे डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है, डाउनलोड क्लिक कर दिया आपने, थैंक्स, और ये जो है स्टार्ट कर देगा डाउनलोडिंग, क्लिक हियर, ऑटोमेटिकली डाउनलोड। तो ये आप देखें इसने डाउनलोड करना शुरू कर दिया। तो सिंपल सी टेक्निक्स हैं, आपने जस्ट इन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करके क्लाइंट्स को खुश करना है और लोगों के मॉकअप्स बनाने हैं। मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, मैं लाता रहूँगा ऐसे ही प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपके लिए। और उसके अलावा आते हैं डिफरेंट क्लासेस अपलोड किए हैं, आप इधर जाके देख सकते हैं कि मैंने एडोब इलस्ट्रेटर की फुल क्लासेस दी हैं, उसके अलावा और भी काफ़ी क्लासेस दी हैं। एडोब फोटोशॉप को डिटेल्स में मैं सिखा रहा हूँ और उसके अलावा फ़ोटोशॉप की क्लासेस जो लोग इंग्लिश समझते हैं तो उनके लिए जो है ना म्यूज़िक में मैं अलग से क्लासेस दे रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ, जवाब देने को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।